अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद मुमताज़ और आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 और 6 है, कंबाइन दो लेक्चर हैं। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ट्रैफिक फ्लोज़ की इन NS2 यूजिंग TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमारा जो इस लैब का मेजर ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर आप लोगों ने सिंपली डिस्कस करना है कि NS के अंदर मल्टीपल जो ट्रैफिक फ्लोज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है जी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके आउटकम ये है कि स्टूडेंट्स इसके इस लैब की मदद से डिफरेंट ट्रैफिक प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है अपने नेटवर्क के अंदर और उनके साथ क्या क्या एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी मेजर आउटकम्स है। इसके बाद इसके अगर हम थोड़ी सी मज़ीद डिटेल डिस्कस करें तो आपके पास इंटरनेट ट्रैफिक प्रोटोकॉल मेजरली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो TCP है, जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और इसके अंदर आपके पास एक्चुअल डेटा के ट्रांसमिशन से पहले एक थ्री वे हैंडशेक यहाँ पे किया जाता है, जिसके अंदर आप मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपका एक्चुअल सोर्स से डेस्टिनेशन तक का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया हुआ है। जबकि इन कंट्रास्ट आपके पास दूसरा प्रोटोकॉल UDP है, जो कि ये मेक श्योर नहीं करता कि आपके पास हैंडशेक हो और वो सिंपली स्टार्ट के अंदर जब जैसे ही ट्रैफिक आप जनरेट करते हैं तो एक्चुअली सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पैकेट सेंड करना शुरू कर देता है विदाउट श्योरिटी कि आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो इस वजह से इस प्रोटोकॉल को हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो फर्दर इसके ऊपर आप इसके डिफरेंट जो आपकी डिफरेंसेस हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, क्विकली इनको गो थ्रू करते हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर मैंने जैसे बता दिया कि ये कनेक्शन बेस्ड है आपके पास TCP और जो UDP है वो कनेक्शन लेस है। इसी तरह यूजेज के अंदर आपके पास TCP उन एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, लाइक अगर आपने एक सर्वर से फाइल डाउनलोड करनी है तो उस केस में आप TCP यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो UDP है वो उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है जहाँ पे आपको फास्ट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, लाइक गेमिंग के लिए, आप ऑनलाइन गेमिंग के लिए कनेक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे UDP चल सकता है, या लाइव म्यूज़िक स्ट्रीमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए आप UDP इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अदर प्रोटोकॉल जो कि TCP के साथ काम करते हैं और UDP के साथ करते हैं उनमें आपके पास ये बता दिए गए हैं। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ डेटा पैकेट्स जो है वो TCP मैनेज कर रहा होता है। लाइक ऑर्डर ऑफ डेटा पैकेट्स से मुराद क्या है, ये कि आपने अगर एक लेट्स सपोज टेक्स्ट फाइल सेंड करनी है एक सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर एक्सक्यूज मी, तो उस सोर्स फाइल के अंदर आपके पास जो टेक्स्ट अवेलेबल है वो टेक्स्ट सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक्चुअल फॉर्मेट में ही जाना चाहिए। मतलब उसके अंदर आपका ये ना हो कि लेट्स सपोज एक सेगमेंट पहले चला गया और दूसरा बाद में जा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी और आपको माइट बी पॉसिबल वो टेक्स्ट समझ भी ना आए। तो जो ये ऑर्डरिंग है डेटा की ये बहुत लाजमी है इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो इस केस में आपका TCP प्रोटोकॉल ये चीज़ अशोर कर रहा होता है कि आपका जो डेटा है रीअरेंज हो और इस फॉर्मेट में जाए जिस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जबकि दूसरी तरफ UDP के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि वहाँ पे आपके पास नॉर्मली लाइव स्ट्रीमिंग है और आपके जो पैकेट डिस्कार्ड हो गए हैं वो डिस्कार्ड हो गए हैं, क्योंकि अगर आप उनको दोबारा से रीअरेंज करके भी सेंड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो एक्चुअली वो मैसेज कन्वे होना था वो आधा मैसेज पहले कन्वे हो गया था और आधा कुछ टाइम के बाद कन्वे होगा तो भी उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो इस वजह से यहाँ पे उसको इस रीऑर्डरिंग को भी नहीं ऐड किया जाता। अगेन स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो आपके पास TCP जो होता है वो स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू UDP, क्योंकि उसके अंदर उसने एरर चेकिंग भी करनी होती है, डेटा की रीअरेंजमेंट्स भी करनी है और इन सब चीज़ों को उसने मेक श्योर करना है कि आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ UDP जो है वो बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल होता है और फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू UDP, क्योंकि उसके अंदर कोई एरर चेकिंग वगैरह नहीं परफॉर्म अप कर रहे होते और रिकवरी नहीं होती पैकेट्स की जो लॉस होते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है टीसीपी के अंदर ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू यूडीपी, क्योंकि टीसीपी ये इंश्योर कर रहा होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसमिशन होना है उस डेटा की सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो 100% ट्रांसमिट होगा। अगर उसमें से कोई पैकेट डिस्कार्ड हो जाते हैं तो वो उनकी दोबारा से रिट्रांसमिशन भी करवाता है। और अगर डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें इन कंट्रास्ट, या डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस अगर डिस्कस करें तो इन टर्म्स ऑफ हेडर साइज़ जो है वो आपको मेजर डिफरेंस नज़र आता है। जो आपका टीसीपी है वो 20 बाइट्स का हेडर रखता है और यूडीपी प्रोटोकॉल का जो हेडर साइज़ होता है वो 8 बाइट्स होता है। इसी बिहाफ पे आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो क्योंकि हैवी वेट बन जाता है, क्योंकि उसने हैंडशेकिंग भी देखनी है, कंजेशन कंट्रोल भी प्रोवाइड करना है और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, इन सब चीज़ों को उसने हैंडल करना है, ठीक है जी। तो इस वजह से टीसीपी जो है वो ज़्यादा हैवी वेट प्रोटोकॉल है, जबकि इन कंट्रास्ट आपके पास जो यूडीपी है वो एक लाइट वेट टाइप का प्रोटोकॉल है और स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इट इज़ अ स्मॉल ट्रांसपोर्ट लेयर डिज़ाइन ऑन टॉप ऑफ आईपी। मतलब आपके पास एक लाइट वेट टाइप का ये डिज़ाइन आपको मिलता है जिसके अंदर आप नॉर्मली लाइव स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशंस को सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपके पास एरर चेकिंग जो है वो आपके टीसीपी आपको प्रोवाइड करता है और जो डेटा डिस्कार्ड होता है उसको दोबारा रिट्रांसमिट भी करता है, जबकि यूडीपी आपका एरर चेकिंग नहीं करता और सिंपली एरोनियस पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, और एरर रिकवरी भी नहीं कर रहा होता। तो ये इनके कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, और ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल एक बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई नहीं अच्छा, दोनों के अपने अपने यूजेजेस हैं और कंटेंट और एप्लीकेशन के हवाले से आप दोनों प्रोटोकॉल्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अब मूव करते हैं जी, आपने किस तरह से वर्क करना है इन दोनों प्रोटोकॉल्स को, किस तरह से सिमुलेट करना है अपने NS2 के अंदर। तो उसके लिए सिंपल हमें एक टोपोलॉजी रिक्वायर्ड होगी, तो उस टोपोलॉजी के ऊपर आप क्या काम करेंगे, एक सोर्स पॉइंट डिफाइन करेंगे और एक डेस्टिनेशन पॉइंट डिफाइन करेंगे दोनों प्रोटोकॉल के सूरत में, क्योंकि हमने सोर्स से पैकेट सेंड करवाना और डेस्टिनेशन तक पैकेट रिसीव होगा और एक कंप्लीट सॉकेट इस्टेब्लिश होगी जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है जी। तो उस केस के लिए आपको क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, कि आपने मल्टीपल एजेंट्स डिफाइन करने होते हैं। सोर्स एजेंट्स उनको हम कह सकते हैं और डेस्टिनेशन एजेंट्स कह सकते हैं। एजेंट्स की डेफिनेशन आपको दे दी गई है कि एजेंट्स रिप्रेजेंट्स एंड पॉइंट्स वेयर नेटवर्क लेयर पैकेट्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड कंज्यूम एंड आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। मतलब कि आपके पास एंड पॉइंट्स को एजेंट डिफाइन कर रहे होते हैं, वो एंड पॉइंट सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों केस में ही एंड पॉइंट है, ठीक है। मतलब सोर्स से अगर पैकेट जनरेट हो रहा है, एक स्टार्ट से जनरेट हो रहा है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो रहा है, तो मल्टीपल एजेंट्स आपके पास आपको मिलेंगे, जिसमें टीसीपी क्लास का एजेंट, मतलब एक एजेंट पेरेंट क्लास होगी जिसके सब क्लासेस एजेंट्स के हो सकते हैं, टीसीपी टाइप की, यूडीपी, टीसीपी सिंक, नल, लॉस मोनिटर एट्सेट्रा। अगर इसके अलावा आपको मज़ीद एजेंट्स देखने हैं कि किस किस तरह के एजेंट्स आपके पास NS2 के अंदर सपोर्ट किए जाते हैं, तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। जिन एजेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल वो ये 4 से 5 डिफरेंट एजेंट्स हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है सिंपली कि जिस नोड को आपने सोर्स नोड बनाना है उसके लिए आपको दो तरह के प्रोटोकॉल्स एजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, या तो वो TCP होगा या फिर UDP होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम नोड ज़ीरो को अटैच करेंगे एक TCP टाइप की एजेंट के साथ, जो कि FTP टाइप की एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स सपोज हम एक सर्वर से एक फाइल डाउनलोड करना चाह रहे थे या ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं FTP के ऊपर, तो हम FTP टाइप की एप्लीकेशन उस केस में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि नोड ज़ीरो के लिए सबसे पहले आपने एक एजेंट डिफाइन किया जो कि TCP है, और TCP के साथ जो एप्लीकेशन वर्क कर रही है वो कौन सी है, FTP, ठीक है जी। इनको एक्चुअली इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपकी डेमोंस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इस तरह से डिफाइन किया गया, अदरवाइज़ इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके नेम के ऊपर नहीं होती, ठीक है। कोड के थ्रू जो कोड आप लिखते हो बस बैकएंड के ऊपर वो परफॉर्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल होना किस तरह से है कि अटैच करना है, नोड पहले क्रिएट करनी है, नोड के साथ एक एजेंट अटैच करना है और उस एजेंट के ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रही होगी जो एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट करवाएगी, ठीक है जी। और देन जहाँ तक उस पैकेट ने सेंड होना है वो उसका पॉइंट बन जाएगा, कौन सा, डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अब डेस्टिनेशन पॉइंट इस केस में आपके पास सिंक है, TCP के केस में,
तो सिंक पॉइंट के ऊपर आपने ट्रैफिक को रिसीव करवाना है। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो TCP प्रोटोकॉल है ना, वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी भिजवा रहा होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया हैंडशेक प्रोसीजर के अंदर। TCP ये मेक श्योर करता है कि आपका जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। अगर नहीं हुआ तो डेस्टिनेशन के ऊपर अगर वो पैकेट डिस्कार्ड है और नहीं पहुंचा, तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका पैकेट डिस्कार्ड हुआ था। और अगर इन बिटवीन सॉरी कहीं पे भी डिस्कार्ड हो जाएगा तो वो उसका रिट्रांसमिशन भी करवाएगा TCP प्रोटोकॉल। जबकि दूसरी तरफ अगर UDP प्रोटोकॉल की हम बात करें, तो UDP प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास जो एप्लीकेशन आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे वो CBR टाइप की एप्लीकेशन होगी, जो कि कांस्टेंट बिट रेट के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, आप पैकेट साइज एक कांस्टेंट टाइप का सेंड कर रहे होते हो, और जो एंड पॉइंट जहाँ पे जाकर ट्रैफिक ने रिसीव होना है वहाँ पे आप एजेंट टाइप नल डिफाइन करते हो। नल इसलिए डिफाइन कर रहे होते हैं क्योंकि इस केस में हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं रिटर्न करवानी, तो जिस तरह से पैकेट बस यहाँ पर रिसीव होगा उसके बाद हम उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव नहीं रख रहे होते। तो ये बेसिक आपका एक इंट्रोडक्शन था कि आपने किस तरह से इसके ऊपर वर्क करना है। फिर इन सब चीज़ों की आप एक ट्रेस फाइल बनाते हो जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कौन सा सोर्स पॉइंट था, कौन सा डेस्टिनेशन पॉइंट है, और किस टाइम के ऊपर कौन सा पैकेट गया है, कितने बाइट्स गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास एक ट्रेस फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। तो उस ट्रेस फाइल की मैं इन्फॉर्मेशन आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह से ट्रेस फाइल होती है। ये ट्रेस फाइल का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहला जो कॉलम होगा वो आपके इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इवेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इवेंट में चार चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, आपके पास पैकेट रिसीव हो चुका हुआ है, पैकेट ड्रॉप हो चुका हुआ है, या फिर पैकेट क्यू में आ चुका हुआ है। NQ और DQ के प्रोसीजर्स आप यहाँ पे इवेंट्स देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है, R4 रिसीव, +4 NQ, -4 DQ एंड D4 ड्रॉप। तो अगर कोई पैकेट किसी पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले आप देखें आर लिखा आ रहा है तो इट मीन्स वो पैकेट रिसीव हुआ है। अब रिसीव हुआ है किस टाइम के ऊपर हुआ है, वो टाइम सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये टोटल सिमुलेशन में का जो टाइम चल रहा होता है ये उसी में से उस टाइम को यहाँ पे मेंशन किया जाता है जिस टाइम के ऊपर पैकेट रिसीव हुआ है। देन उसके ऊपर फ्रॉम टू वाले नोड का सिनेरियो आता है कि किस नोड से आया है, नोड थ्री है, थ्री से आया है, और किस नोड तक गया था, रिसीव हुआ है नोड टू के ऊपर, और पैकेट की टाइप क्या थी, एक्नॉलेजमेंट टाइप का पैकेट था, ACK लिखा आ रहा है, पैकेट का साइज़ कितना था, 40 बाइट्स का साइज़ है, इसके ऊपर फ्लैग क्या है, कोई नहीं है फिलहाल, उसका फ्लो आईडी क्या है। अब फ्लो आईडी यहाँ पे सिंपली ट्रैफिक के एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी की सारी ट्रैफिक भी ब्लैक कलर के अंदर ही होगी, लेकिन मल्टीपल अगर प्रोटोकॉल्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं लाइक TCP UDP, तो उनकी ट्रैफिक को आप अपनी मर्ज़ी से सेपरेट कलर के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए शो कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कलर्स में। तो हर ट्रैफिक को एक कलर हम दे रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट हम एक कलर आईडी स्टोर कर लेते हैं अपने पास, और उस कलर आईडी को फिर आप बाद में अपनी ट्रेस फाइल के अंदर देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मतलब किसी भी पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप या किस प्रोटोकॉल के अंडर ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है, या इसका ट्रैफिक कलर क्या था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम ये ट्रैफिक कलर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद सोर्स एड्रेस क्या था, उसका सोर्स का पोर्ट एड्रेस आ जाएगा और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और देन उसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या था उस पैकेट का जो वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और पैकेट आईडी क्या था। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपके पास एक ट्रेस फाइल का फॉर्मेट आता है। इसी तरह प्लस का मतलब ये है कि NQ का प्रोसीजर हुआ था। ठीक है, कोई एक नया पैकेट था जो कि 2 से 0 नोड के दरमियान ट्रांसमिशन उसकी होनी थी, तो ठीक है, तो पहले जो क्यू हर लिंक के ऊपर बनती है उस लिंक में पहले उस क्यू में पैकेट ये गया है इतने टाइम के ऊपर, और देन उसमें से ये निकला इतने टाइम के ऊपर। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपको NQ और DQ के प्रोसीजर है, और देन उसके बाद अगेन रिसीव के बाद फिर प्लस हो रहा है, अगर ड्रॉप हो रहा है तो दरमियान में D का प्रोसीजर आ जाएगा। अब DQ नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेट ड्रॉप हो गया था, मतलब क्यू के अंदर जो लिमिट साइज़ आपको मिला था उससे पैकेट एक्सटेंड हो गए थे, तो पैकेट डिस्कार्ड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ आगे जाके हम सिमुलेशन में देखेंगे। तो इस इवेंट के लिए यहाँ पे D लिखा आ जाएगा। तो इस तरह की आपको ये एक ट्रेस फाइल आपके सामने आएगी जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, और उसकी मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल पैकेट कितने ड्रॉप हुए हैं और कितने रिसीव हुए हैं। ठीक है जी,